मेरा नाम शिल्पा है, मेरी उम्र 22 साल है। मेरी शादी को लगभग 3 साल हो चुके थे। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी। मेरा ससुराल कोई बहुत बड़ा नहीं था। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे पति और मेरे ससुर जी थे। मेरी सास की मेरी शादी से कुछ महीने पहले ही मौत हो चुकी थी। मेरे पति अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे, इसलिए मेरी सास की मौत के बाद घर बिल्कुल सूना हो गया था, क्योंकि मेरे पति और ससुर जी के काम पर जाने के बाद घर खाली ही रहता था, और जब वे लोग काम से लौट कर आते तो घर उनको खाली काटने को दौड़ता। और इसलिए मेरे ससुर जी ने अपने बेटे अनिकेत की शादी करने का सोचा। एक दिन मेरे पिताजी के दोस्त ने मेरे लिए रिश्ता बताया। पिताजी लड़के के बारे में सुनकर बहुत खुश हो गए। मेरे पिताजी ने अपने दोस्त से कह दिया कि वह जल्द ही घर पर बात करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बताते हैं। अगले दिन हम सब दोपहर का खाना खा रहे थे। पिताजी ने इस रिश्ते के बारे में मेरी माँ को बताया और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगे। मेरे माँ बाप इस रिश्ते से बहुत खुश थे कि बड़ा ससुराल नहीं होगा तो ज़्यादा दिक्कतें भी नहीं होंगी। वे ये सोच कर खुश थे। पिताजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और एक ही हफ्ते में मेरी शादी अनिकेत के साथ धूमधाम से हो गई, क्योंकि मेरे ससुर जी ने मेरे पिताजी से शादी तय करते वक्त ही कह दिया था कि उन्हें किसी भी तरह का कोई दहेज नहीं चाहिए, बस शादी धूमधाम से हो जाए, क्योंकि वह शादी में फिजूल खर्च के खिलाफ थे। और यह सच था, वे दोनों बहुत ही अच्छे थे। और सबसे अच्छी बात यह थी, मेरे ससुर को खाना बनाना बहुत पसंद था। पति ससुर के काम पर जाने के बाद मैं घर में अकेली हो गई, इसलिए अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं तरह तरह का खाना बनाती, किताबें पढ़ती रहती और घर की साफ सफाई में लगी रहती। इस बात से मेरे पति और ससुर जी बहुत खुश होते, और अक्सर छुट्टी के दिन मेरे ससुर जी खुद ही खाना बनाते और कभी कभी तो मेरी रसोई में मदद भी करते थे और कहते थे कि तुम तो पूरे हफ्ते ही खाना बनाती हो, आज तुम्हारी खाना बनाने की छुट्टी है। मैं तो अपने ससुर जी की इस बात से बहुत खुश होती थी, क्योंकि वो मेरा इतना ख्याल रखते थे। किसी को भी मेरी किस्मत से जलन होने लगती और मैं शायद खुद को किस्मत ही समझती थी। ऐसे ही कुछ समय गुजरा। मेरे पति ने एक नया कारोबार की शुरुआत की, इसके कारण उन्हें दूसरे शहर जाना होता था। क्योंकि मेरे ससुर बहुत अच्छे थे, इसलिए मुझे कभी कोई दिक्कत ही नहीं होती थी और मैं खुशी खुशी पति को जाने की इजाज़त दे देती। यह सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। और कुछ महीने बाद मेरे ससुर जी का भी रिटायरमेंट हो गया। अब वह सारा दिन घर पर ही होते और अक्सर खाना वही बना दिया करते। लेकिन एक बार जब मेरे पति शहर गए तो मेरे पास भी करने को कोई काम नहीं था। मैंने ससुर जी से कहा कि खाना आज मैं बनाती हूँ, लेकिन मेरे ससुर जी ने नहीं माने और कहा खाना तो मैं ही बनाऊँगा। मैं भी चुप हो गई, क्योंकि इतने प्यार से कह रहे थे तो अच्छा नहीं लगता था। ससुर जी ने खाना बनाया और मैं खाना खा कर सो गई। और हैरानी की बात यह है कि मुझे लेटते ही नींद आ गई थी और मैं इस बात को ज़्यादा नहीं सोचा। जब मैं सुबह उठी तो मेरे कपड़ों पर गंदगी लगी हुई थी। मैंने इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की, मगर मैं इस बात से परेशान रहने लगी थी कि ऐसा क्यों होता है। जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो सुकून से खाती हूँ और मुझे इतनी जल्दी कभी नींद नहीं आती। यह मेरे बचपन की आदत में शामिल था। मुझे हमेशा से ही लेटने के कुछ देर बाद ही नींद आती थी, मगर जो दो दिन से अचानक नींद आई, उस दिन ससुर ने खाना बनाया था। दिक्कत यह थी कि इस बारे में किसी से बात भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर पति को बताती तो कोई भी इंसान अपने पिता के बारे में गलत नहीं सुन सकता था और वह मुझे ही गलत समझते, क्योंकि घर में कोई और नहीं था। मैं अपने माँ बाप को भी यह बात करके परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं परेशान रहने लगी और ससुर जी से बचने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह सारा दिन घर पर ही होते थे, इसलिए मुझे मजबूरी में उन्हीं से बात करनी पड़ती थी। अब मुझे सब कुछ बहुत अजीब लगता था, इसलिए मैं कोशिश करती थी कि उनके सामने ना जाऊं और बहाने से अक्सर बाजार चली जाया करती। लेकिन मैं ऐसा कब तक करती, क्योंकि लौट कर तो घर ही आना होता था और एक घर में रहते हुए ऐसा मुमकिन नहीं था कि मैं कहीं उनसे दूर जा सकूं। और फिर एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे पति को जबरदस्ती ससुर ने दूसरे शहर भेज दिया कि जाकर काम लेकर आओ। वह कहते रहे कि वहाँ कोई काम नहीं है, मेरा जाना बेकार होगा। लेकिन मेरे ससुर ने उनको डांट दिया कि तुम्हें क्या पता काम कैसे ढूंढा जाता है, बार बार काम देखने जाना पड़ता है, ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं काम हाथ में आता है। मजबूर होकर मेरे पति को दूसरे शहर जाना पड़ा। मेरे पति के जाते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे उनकी कोई दिल की इच्छा पूरी हो गई हो। मैंने भी उनसे कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे ससुर ने मना कर दिया कि मेरा बेटा अभी नहीं है यहाँ और तुम चली जाओगी तो मैं अकेला घर में क्या करूँगा, यहीं रुको जब तक वह वापस नहीं आता, फिर चली जाना। और मैं मजबूर हो गई थी।
लेकिन मेरे दिल में शक बैठ गया था, वह कैसे खत्म हो सकता था। और उस दिन फिर मेरे ससुर ने खाना बनाया। मैंने उनसे कहा कि मेरा खाना खाने का मन नहीं है, मगर उन्होंने जिद करके मुझे थोड़ा सा खाना खिला दिया। फिर खाना खाने के बाद फौरन मुझे नींद आ गई। सुबह को देखा तो मेरे बिस्तर और कपड़े दोनों पर गंदगी लगी थी। मुझे गुस्सा आने लगा और मैंने सोचा कि अब मैं अपने पति को बताकर ही रहूंगी। इसलिए मैंने अपने कपड़े उतार कर वॉशरूम में ही लटका दिए कि अब यह कपड़े सबूत के तौर पर अपने पति को दिखाऊंगी। वह आए तो मौके की तलाश करने लगी कि उनको सच्चाई बताऊं, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरे ससुर हर वक्त हमारे साथ ही रहते थे। रात को जब मेरे पति कमरे में आए तो मैंने उनको बंद लफ्जों में बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया कि तुम गलत मत सोचो, वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं और तुम उनके ऊपर शक कर रही हो। मैंने उनको यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिरकार मैंने अपने कपड़े लाकर उनको दिखा दिए कि मेरी बात का सबूत है, लेकिन वह अपने पिता के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है तुम मेरे पिता पर आरोप लगाकर अपने गुनाह छुपाने की कोशिश कर रही हो। मेरे पिता रात को जल्दी सो जाते हैं, उन्हें क्या मालूम बाद में घर में क्या होता है और क्या नहीं, और तुम ना जाने किसको बुलाती हो। ऐसी बात सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैं सोच में पड़ गई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हम दोनों में बहुत लड़ाई हुई और उसके बाद मैं अपने मायके चली गई। एक महीना गुजर गया, उन्होंने पलट कर खबर भी नहीं ली। अब तो घर में सब लोग मुझसे सवाल करने लगे कि पहले तो तुम कभी इतने दिन नहीं रहती थी, क्या नाराज होकर आई हो। अब मैं उनको क्या बताती कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ ही गलत हुआ है और मेरे पति ने मुझ पर यकीन नहीं किया। इसलिए मैं सबको परेशान नहीं करना चाहती थी, मैं देखना चाहती थी कि जिंदगी अब कौन सा खेल खेलेगी मेरे साथ। कुछ दिन बीत जाने के बाद मेरे ससुर मुझे लेने के लिए आए कि बेटा इतने दिन हो गए अभी तक तुम घर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। उनके इस प्यार को देख कर मेरे घर वाले बहुत खुश हुए, लेकिन मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मैं उनके बेटे से झगड़ा कर कर आई थी। मेरे ससुर को भी शायद मालूम था कि हमारी लड़ाई हुई है, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा जो भी परेशानी है तुम दोनों बैठकर हल कर लेना, इतना नाराज होकर बैठ जाना इस बात का हल नहीं है। वह समझाते हुए अपने साथ ले गए। मैं मजबूर थी कि मैं अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बता सकती थी, इसलिए मुझे उनके साथ जाना पड़ा। ससुराल पहुंची तो मेरे पति का मूड अभी भी ठीक नहीं था। उन्होंने मुझसे बात नहीं की, बस इतना कहा जिस इंसान पर तुम शक कर रही थी वही तुम्हें वापस लेकर आया है, वरना मैं तो तुम्हें कभी वापस लेकर ही नहीं आने वाला था। मेरी कोई गलती ना होने के बावजूद भी मुझे उनके सामने शर्मिंदा होना पड़ा और मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी, और बहुत मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ। अब मैं चुप रहने लगी थी और अपने पति से भी कोई बात नहीं करती, लेकिन मेरे ससुर को वही हाल था। वह खाना पकाते और अक्सर उनका खाना खाने के बाद मुझे गहरी नींद आ जाती। यह जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मुझे अपने आप से घिन आने लगी थी, मैं क्या थी और क्या बन गई थी। ऐसी जिंदगी मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। मेरे ससुर को मेरे व्यवहार का अंदाजा हो गया था, इसलिए मुझसे ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन खाना बनाने का सिलसिला इसी तरह चलता रहा। और सच तो यह है कि मेरे ससुर के बने खाने में बहुत स्वाद था, अगर मुझे तो अब उनके खाने से घिन आती थी। जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता था, तीन लोगों के घर में अपने लिए खाना तो अलग से नहीं बना सकती थी, लेकिन कहते हैं कि जब इंसान बिल्कुल लाचार हो जाता है तो ऊपर वाला वहां से रास्ता दिखाता है जहां इंसान सोच भी नहीं सकता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन मैं बाजार से कुछ सामान लेने के लिए गई थी और वहां मुझे एक बहुत पुरानी सहेली मिल गई जो कि मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी और दूसरे शहर चली गई थी अपने पति के ट्रांसफर की वजह से। वह शहर में वापस आ गई और मेरी बाजार में खरीदारी करते वक्त अचानक उससे मुलाकात हुई। इतने वक्त बाद अपनी सहेली से मिलकर मैं बहुत खुश हुई और हम एक दूसरे से मिलने लगे। हमारा एक दूसरे के घर में आना जाना भी शुरू हो गया। वह दो बार हमारे घर आई तो उसने मेरा और मेरे ससुर का व्यवहार नोट किया। वह मुझसे सवाल किया कि ऐसा क्यों है। मैंने उसको सारी बातें बता दी कि मेरे साथ यह सब होता है। पहले तो वह बहुत हैरान हुई और उसने वादा किया कि मेरी इस परेशानी में मेरी मदद करेगी। और एक दिन जब मेरे पति हमेशा की तरह दूसरे शहर गए, मेरे ससुर ने खाना बनाया तो मैंने खाना खाने के साथ ही थोड़ा सा खाना अपनी प्लेट से निकाल कर छुपा दिया और उसके बाद वही हुआ जो मेरे साथ हमेशा होता था। लेकिन मैंने दूसरे दिन वह खाना अपने दोस्त को दिया क्योंकि उसके पति एक लैब में टेक्नीशियन थे, इसलिए वह खाना लैब में टेस्ट किया गया। वही हुआ जिसका मुझे शक था। उस खाने में नींद की दवा मिली हुई थी, इस वजह से मुझे जल्दी नींद आ जाती थी। एक बार तो मैंने सोचा कि अपने पति को रिपोर्ट दिखा, लेकिन फिर मुझे वही डर लगा कि वह कहेंगे तुम मेरे पिता पर आरोप लगा रही हो और इस बार वह मुझे अपनी ज़िंदगी से ही निकाल देंगे। इस डर ने मेरी जुबान पर ताला लगा दिया। एक दिन जब मेरे पति घर पर नहीं थे तो ससुर जी ने खाना बनाया तो मैंने अपनी दोस्त की सलाह से वह खाना नहीं खाया
और नाटक ऐसे करने लगी जैसे मैंने खाना खा लिया है और अपने कमरे में जाकर लेट गई। मैं देखना चाहती थी कि मेरे सोने के बाद मेरे साथ क्या होता है। मुझे लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैं चुपचाप लेटी रही क्योंकि आज मुझे इस रात से पर्दा उठाना था। मुझे देखना था कि मेरे ससुर मेरे कमरे में आकर क्या करते हैं। मैंने सोच लिया था कि अगर वह मेरे साथ कोई उल्टा सीधा करेंगे तो मैं शोर मचा दूंगी, लेकिन फिर मैंने दिमाग लगाया, अगर मैं शोर मचा दूंगी तो कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। अब तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। मैंने इस बात से पर्दा उठाने के लिए फोन की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की, यह सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता, लेकिन जो होना था वह हो गया था। अब मुझे ये देखना था कि मेरे ससुर का अगला कदम क्या होगा, इसलिए मैं चुपचाप लेटी रही। जब उनको यकीन हो गया कि मैं सो चुकी हूँ तो मेरे पास आकर बैठ गए, मगर ना जाने उनको इस बात का शक हो गया था कि शायद मैं जाग रही हूँ। वह मेरे पास आकर बैठे ही थे और फिर वहाँ से उठकर चले गए। मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी, इसलिए मैं पति को कुछ नहीं बता सकती थी। मैंने दिन में अपने दोस्त को फ़ोन किया और सारी बात उसको बता दी। वह खुद भी यह सुनकर बहुत परेशान हो गई। उसने मुझसे कहा कि हमें यह सब कुछ अपने पति को बताना ही होगा, लेकिन मेरा डर मुझ पर हावी हो चुका था। मैं अपने पति को कुछ भी नहीं बता सकती थी क्योंकि जो कुछ भी पिछली बार हुआ था, मेरे दोस्त ने मेरी मदद की और कहा कि इस बारे में मैं खुद मेरे पति से बात करेंगी। एक दिन मौका देखकर उसने हम दोनों को खाने पर बुलाया। मेरे दोस्त ने बात शुरू की तो बात सुनकर मेरे पति गुस्से से उठ खड़े हो गए और मेरे पति उससे नाराज हो गए, लेकिन जब उसने आराम से कहा कि देखें आप बात को जान लें, अगर मेरी बात गलत है तो बेशक आप इसे छोड़ दीजिएगा और ये सच साबित हुई तो फिर जो आप करना चाहें वही करना, मैं अपनी जिंदगी का दाव पे लगाकर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तैयार हो गई। अब हमें कुछ ऐसा करना था कि मेरे ससुर को मालूम ही ना पड़े और उनकी सच्चाई भी सामने आ जाए। मेरे दोस्त ने मेरे पति को वह रिपोर्ट भी दिखाई, शायद इस वजह से मेरे पति यह सब करने के लिए तैयार हुए। लगभग एक हफ्ते बाद जब मेरे पति ने अपने पिता से कहा कि उन्हें किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना है, तो मेरे ससुर ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि तुम जरूर जाओ। मेरे पति घर से तैयार होकर निकल गए, लेकिन अपने एक दोस्त के घर चले गए और दूसरे शहर नहीं गए। हमेशा की तरह मेरे ससुर ने खाना बनाया। वह खाना बनाने में व्यस्त थे तो मेरे पति चुपचाप से कमरे में आ गए और कमरे में जाकर छुप कर बैठ गए। मैंने चुपचाप खाना खाया क्योंकि मुझे मालूम था कि खाना खाने के बाद मुझे नींद आ जाएगी, लेकिन मेरे पति मेरे कमरे में पहले से ही मौजूद थे इसलिए मुझे कोई डर नहीं था। मैंने पेट भरकर खाना खाया और हमेशा की तरह नींद आने लगी। मैं कमरे में गई और पति को बताया कि मुझे नींद आ रही है, मैं खाना खा चुकी हूँ और अब जो कुछ करना है वो आपको ही करना है। मैं बिस्तर पर लेटते ही सो गई। मुझे मालूम नहीं कि रात को क्या हुआ, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मेरे ससुर और पति दोनों घर पर नहीं थे। बहुत देर के बाद भी जब वे दोनों घर नहीं आए तो मैं परेशान हो गई। मैंने दोनों के नंबर पर फ़ोन किया, उन दोनों के नंबर बंद जा रहे थे। मेरे लिए सब कुछ बहुत खतरनाक भी हो सकता था। कुछ समझ नहीं आया तो मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। मेरी दोस्त ने मुझे समझा दिया, लेकिन शाम तक इन दोनों का कुछ भी पता नहीं चला और इस वजह से मेरा बुरा हाल हो गया। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था, मैंने आज खाना ही क्यों खाया। अगर मैं खाना नहीं खाती तो मुझे मालूम हो जाता कि रात को क्या हुआ, क्योंकि आज हमेशा की तरह मेरे कपड़ों पर गंदगी नहीं लगी हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। शाम से रात हो गई, लेकिन मेरे पति और ससुर का कुछ पता ही नहीं चला। मेरी दोस्त बार बार कहती रही मैं पुलिस को रिपोर्ट करानी चाहिए, लेकिन मैं परेशान थी कि मैं पुलिस वालों को क्या बताऊंगी कि वे दोनों घर से क्यों गायब हो गए, इसलिए मुझे इंतजार ही करना था। इस बात को पूरे 3 दिन बीत गए और मेरे ससुर और पति का कोई पता नहीं था। मजबूर होकर मैंने अपने भाई को फ़ोन करके सारी बात बताई। मेरा भाई और मेरे पिताजी घर पर आ गए। जब उन्हें सारी बात मालूम हुई उन्होंने मुझे खूब डांटा कि तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। उनका कोई दोस्त पुलिस में था, उन्होंने उसे भरोसे में लिया और उसको सारी बात बताई। पुलिस के अपने जासूस होते हैं, पुलिस ने अपना काम करना शुरू किया, उनके फ़ोन ट्रेस किए और सुराग ढूंढे और रात को मेरे पति और ससुर दोनों घर आ गए। मेरे पति बेहोश थे और मेरे ससुर अजीब गरीब बातें कर रहे थे, जैसे उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं था। ये सब कुछ देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। भाई ने मुझे संभाला और कहा इनको अभी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो सारी बात मालूम हो जाएगी। जब वह डॉक्टर के पास लेकर गए तो मालूम हुआ कि मेरे पति को बेहोशी की दवाई दी गई है। पुलिस अपना काम करके वापस चली गई, लेकिन अब मुझे यह जानना था कि ये सब कुछ कैसे हुआ। मैंने उन दोनों से सीधे सीधे सवाल कर लिया, ये सब कुछ कैसे हुआ। मेरे पति ने बताया कि जैसे तुमने मुझे बताया था वैसे ही तुम्हारे सोने के बाद पिताजी कुछ देर के बाद तुम्हारे कमरे में आए। उनका अजीब सा हाल देखकर मुझे डर महसूस हुआ और वह जैसे ही तुम्हारे बिस्तर के करीब आए मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उनको जोर से आवाज़ दी।
वह मेरी आवाज़ सुनकर परेशान हो गए और इससे पहले कि मैं उनसे कुछ बोलता, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और भी है। इससे पहले कि मैं मुड़कर उनको देखता कि मेरी गर्दन पर सुई चुभने का एहसास हुआ और उसके बाद मुझे कुछ होश ही नहीं था। फिर मैंने ससुर से पूछा, आप ही बताएं कि ये सब क्या है, क्योंकि अब सारी बातें सिर्फ आप ही बता सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, मुझे खुद मालूम नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा हुआ कि तुम्हारे और मेरे बेटे की कोई औलाद नहीं थी और शादी को 3 साल से ज़्यादा हो गए थे। मैं कोई औरत तो नहीं जो इस बारे में तुमसे खुलकर बात करता। मैं एक बार दोस्तों के पास बैठा था तो इस बात का जिक्र किया। मेरे दोस्त ने बताया कि कोई डॉक्टर हैं जो पंडित भी हैं, उनसे अगर दवा लेकर बहू को दे दो तो उनको औलाद हो जाएगी। मैं तो बस औलाद की खातिर आदमी के पास गया था और जिस तरह वह कहता मैं वैसा ही करता रहा। नींद की दवाई खाने में मिला देता, उसके बाद मुझे अलग अलग तरह के काम बताता रहा और मैं उन कामों को करता रहा। कभी तुम्हारे ऊपर से कुछ घुमा दिया करता, तुम्हारे हाथों से मुर्गी की बलि देनी होती तो कभी कबूतर की, क्योंकि तुम बेहोश होती, तुम्हारे हाथ पकड़कर ये सब काम कराता और जो भी अजीब चीज़ें बताता मैं करता, अपनी औलाद की खुशी की खातिर करता रहा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता कि मेरा दिमाग किसी और के कंट्रोल में है और मैं वह सब कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर मुझसे सब कुछ खुद ब खुद होता जा रहा था। और उस रात जब मेरे बेटे ने मुझे आवाज़ दी, उस रात आखिरी काम था, लेकिन मेरे बेटे ने जैसे ही मुझे आवाज़ दी मैं घबरा गया और उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग किसी के कंट्रोल में चला गया हो। और अब इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन अब हमारे सवाल का जवाब उस डॉक्टर के पास था, इसलिए मैं अपने ससुर और पति को लेकर उस डॉक्टर के पास चली गई। मेरे भाई ने अपने पुलिस वाले दोस्त को भी इस बारे में बता दिया। पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि वह कोई डॉक्टर नहीं बल्कि वह सिर्फ एक तांत्रिक है और काले जादू में महारत रखता है। पढ़े लिखे लोग जादूगर के पास नहीं आते, इसलिए वह डॉक्टर के रूप में रहता। और जिस रात मेरे पति कमरे में थे उस रात आखिरी काम था और वह खुद भी कमरे में मौजूद थे। उसने बताया कि आखिरी तंत्र से मेरी आत्मा उसके काबू में हो जाती, लेकिन शायद मेरी और मेरे पति की किस्मत अच्छी थी इसलिए ऊपर वाले ने हमें आखिरी समय में मदद की और हम इतने बड़े श्राप से बच गए। मेरे ससुर और पति को साथ लेकर गया था, उनकी बलि देने जाता था ताकि जो काम अधूरा रह गया हो उसको पूरा किया जा सके। कहा जाता है कि हमेशा आंखों पर देखा सच नहीं होता। अगर गलत काम अगर अच्छी नीयत से भी किया जाए तो उसका नुकसान ही होता है। खुशियाँ ऊपर वाले से मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब, कहानी को शेयर करें। कहानी सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।